यो मेरे जिगर के छल्ले, तेरे भाई के बल्ले बल्ले। तो आज चलते हम लोग, मेरा पहला ब्लॉग है आज। तो गाइस आज चलते हम लोग मैगी बनाने हैं। आई नो बहुत छोटी सी चीज है, तो तभी फिर चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो फिर चलते हैं हम लोग किचन की तरफ। आइए देख ही लेते हैं मेरा किचन भी। ओके तो गाइस आप मेरे किचन में पहुंच चुके हैं, तो चलिए पहले मैं फ्राई पैन अरेंज करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं ब्लॉग में। ओके तो गाइस तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीप इमीडिएट बनाना। चलिए ये देखिए, तो गाइस तो मैंने ये डीप इमीडिएट की पैकेट निकाल ली है। ये देखिए तो गाइस मैंने नूडल्स निकाल ली हैं, एंड अब मैं इसको पानी में डालने वाला हूँ। एंड मैंने गैस की आंच थोड़ी सी लो रखी है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड नाउ गाइस अब हम लोग को मसाला डालना है धीरे धीरे। ये डाला हम लोग ने मसाला, अब इसको कुछ देर पकने देते हैं। यो गाइस मेरी ऑलमोस्ट मैगी रेडी हो चुकी है, ये देखिए बस एंड फिनिशिंग पे ऑलमोस्ट। ये देखिए थोड़ा सा मुझे गैस की फ्लेम तो इसके करते हैं, इसका पानी जब तक सूख नहीं जाता तब तक ये अच्छी नहीं बनेगी। ऑलमोस्ट पानी इसका खत्म हो गया, थोड़ा सा गैस की गाइस हम लोग थोड़ा सा इसमें डालते हैं सैंडविच स्प्रेड, मुझे ये बहुत पसंद है इसमें थोड़ा सा डालना, तो चलिए डालते हैं। ओके और ये डालना बस, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। एक्चुअली कैमरा मेरे हाथ में थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने ये भी डाल दिया। थोड़ा सा ऑर्गेनो पे स्प्रेड करना तो बनता ही, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। एंड देन इसको चम्मच से, ओके तो इसको चम्मच से थोड़ा सा हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं घर से। ओके तो फाइनली गाइस मेरी मैगी तैयार हो चुकी है, एंड थोड़ा सा ये सैंडविच स्प्रेड। ओके देन ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा इसमें, एंड गाइस थोड़ा केचप डालना तो बनता ही है ना, इसके बिना भी स्वाद आने वाला है। ओके थोड़ा किनारे में स्प्रेड करता हूँ, नहीं है थोड़ा सा बट प्रॉब्लम होगी या बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो गाइस फाइनली मेरी मैगी रेडी हो चुकी है, एंड विद रेड वाइन, ये तो कंपलसरी है मेरे लिए। एंड तो अब चलते हैं हम लोग खाने, कम ऑन गाइस।